एक बार फिर से नागिन सिक्स ने मारी है बाजी। आखिर टीआरपी लिस्ट में कितनी मिली है टीआरपी रेटिंग और कैसी बना है नंबर वन ये शो, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फोर्स। वेल, कलर्स टीवी पर कई सारे शोज हैं जो ऑन एयर हैं और कई सारे शो दर्शकों के फेवरेट हैं, तो कई सारे शोज हैं जो दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। हालांकि कलर्स पर कई सारे शोज हाल ही में शुरू हुए हैं, चाहे वो जुनूनियत हो, चाहे बेकाबू हो, चाहे तरेश्क में घायल हो, चाहे अग्नि साक्षी हो, तो कई सारे शोज शुरू हुए। हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट निकलती है, इस बार भी टीआरपी लिस्ट निकली है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस बार भी कलर्स का नंबर वन शो है कोई और नहीं बल्कि नागिन सिक्स बना है। जी हाँ, आपको बता दें इसको जो रेटिंग मिली है 1.3 रेटिंग मिली है। हालांकि कुछ खास रेटिंग नहीं है, लेकिन कलर्स का नंबर वन शो इसलिए बना हुआ है कि कलर्स के सारे शोज में सबसे ज्यादा रेटिंग नागिन सिक्स को मिला है और इसी के चलते नागिन सिक्स नंबर वन शो बन चुका है। वेल, हालांकि आपको बता दें कि धर्मपत्नी भी टीआरपी लिस्ट में उछाल देखते हुए नजर आ रहा है। धर्मपत्नी को भी 1.2 रेटिंग मिली है। फिलहाल तेजस्वी हैं जो नागिन सिक्स की टीआरपी के लिए काफी कोशिश भी कर रही हैं, काफी शो में भी बदलाव आ रहे हैं नागिन सिक्स में। हालांकि नागिन सिक्स जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है, लेकिन शो की टीआरपी को देखते के साथ ही एक्सटेंशन भी मिल रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से टीआरपी में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या नागिन सिक्स को और भी आगे एक्सटेंशन मिलेंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल नागिन सिक्स को लेकर क्या कुछ कहना है आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।